हेलो, मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 5वां, नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो चलो, चैप्टर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो जान लेते हैं, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, साथ में खुशखबरी भी है आपके लिए। अभी तक जो हमारे चैनल पे 30 जुलाई तक के लिए शेयर करने का ऑफ़र चल रहा था, और वो बढ़कर लॉकडाउन के साथ बढ़कर 15 अगस्त तक के लिए हो गया है। तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त तक आपको हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा, ठीक है, हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को। जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये गिफ्ट्स मिलेंगे। अगर ये गिफ्ट्स आप करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और पूरी डिटेल में जानकारी आपको वीडियो के बाद में मिलेगी। तो चलिए, अपना जो लेसन है वो कम्प्लीट कर लिए, फिर पूरी जानकारी प्राप्त करिए। तो बच्चों, अपना चैप्टर जो है 5वां, अनीता की मधुमक्खियाँ, हम शुरू कर देते हैं, तो पूरा टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये, मेरा नाम अनीता खुशवाहा, मैं मुजफ्फरपुर जिले के गोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। कहाँ? तो गोचाहा गांव कहाँ है? बिहार में। मेरे घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। मतलब ये जो लड़की है, क्या नाम इसका था, अनीता खुशवाहा, ये जो है क्या करती थी, ये मधुमक्खियाँ पालने का काम करती है। और मैं जब छोटी थी तो ये क्या दिन भर बकरियाँ चलाते थे। इसका पढ़ने का बहुत मन करता था, पर इसके जो पिता थे वो स्कूल जाने से मना करते थे, ठीक है। उन्हें लड़कियों का स्कूल जाना जो था अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। उसके दो छोटे भाई भी थे। तो ये जो कहानी है, ये कह रहे हैं ये जो कहानी है सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा जो है एक चमकता सितारा है, जिन्हें गर्ल स्टार कहते हैं, ठीक है। चमकते स्टार उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी है। बच्चों की किताब से अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें, विदर टीचर्स के लिए। ये एक स्कूल जाना एक सपना, ठीक है। मतलब अनीता के लिए स्कूल जाना जो था वो सपना जैसा था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों को बता दी, पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितनी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि आधी कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च ही नहीं होता। क्या बताया उनकी टीचर ने कि कक्षा आठ तक की जो पढ़ाई होती है उसमें किसी तरह का कोई खर्च नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे मांगता, मुझे नहीं पता कैसे, मतलब उसके जो माँ पिता थे कैसे मांगते। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होगा। देखो, स्कूल आने जाने में, कॉपियाँ खरीदने में, पेंसिल और पेन खरीदने में, यूनिफॉर्म में, बस्ता में, खाने के डिब्बा में, जूते में, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनमें पैसा खर्च होता है। तो मतलब कई सारे पैसे खर्च होते हैं ना स्कूल जाने में। फिर ऐसे ही लेकिन क्या है कि सरकार जो होती है इन सब खर्चों को खुद ही उठाती है। हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। तो सोच लीजिए कि सरकार कितना कर रही है, फिर भी लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं। फिर स्कूल में क्या हुआ, देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा जो थी पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी।
और उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। उसने एक अपनी याद बताई है, क्या याद है वो देखते हैं। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, दो बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। फिर कहने कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। मतलब ये जो थी अनीता, वो आगे पढ़ने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी, उससे जो पैसा मिलता था उसी से वो पढ़ाई करती थी। लेकिन उसके गांव के जो लड़के थे वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे, अनीता के पास ज़्यादा बच्चे आते थे। तो अनीता के पास आने वाले जो बच्चे थे उनको वो बनाया उन लोगों ने, तो बच्चे जो थे उन्होंने आना बंद कर दिया। बस दो ही बच्चे आते थे, पर अनीता जो थी वो बहुत प्यार से पढ़ाती थी, इसलिए सब बच्चे जो थे वापस आ गए पढ़ने। कहते हैं क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों की बात ना आपको कक्षा में करनी है, ठीक है। तो इन्होंने एक अध्यापक ये बात कही है, देखते हैं क्या है। बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों की अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर आगे कहानी है कि हर बच्चे का हक है कि वो 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त में कर सके। क्या सभी बच्चों का यह अधिकार मिलता है? चर्चा करें। तो अब तो फिर भी लोग पढ़ने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लोग नहीं पढ़ाते थे अपने बच्चों को अक्सर, ऐसे की कमी हो या कोई रीजन हो, ठीक है, लेकिन कम करते थे। अब लेकिन क्या गरीब हो अमीर हो अब सब पढ़ाते हैं। क्या है RTE अधिनियम 2009? तो ये क्या है बताते हैं आपको। यहाँ 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुख्य एवं अनिवार्य शिक्षा होता है। मतलब जो RTE है अधिनियम, वो क्या करता है, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा देता है। फिर ये कहने लगे, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का शाम का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। इन्होंने एक राज बताया है, क्या राज है देखते हैं। मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीख लिया। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बाइक चला रही है। फिर स्कूल से मधुमक्खी पालन है, तो इसमें कहा है कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, ठीक है, कहाँ, बिहार में लीची की खेती होती है ना, इसलिए लीची के पेड़ मधुमक्खियों को लुढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पाल कर शहद बनाने का भी काम करते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खियों को मधुमक्खियाँ पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे के देने का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खियों के अंडे को देने का समय क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। फिर मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, मधुमक्खियाँ पालना शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। फिर इन्होंने कुछ कहा है कि क्या तुमने कीड़ों को फूल फुलाते देखा है, उनके नाम पता करो। तो ये सब चीज़ें आपको अपने क्लास में बातें करने से ही पता चलेंगी, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है अपनी कॉपी में चित्र भी बनाना है। और फूलों पर क्यों आते हैं, तो फूलों पर वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उससे रस चाहिए होता है। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ होती है, भिन भिन की आवाज़ होती है। ये जो ठीक है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन जो अपनी क्लास में चर्चा करने के लिए है, तो आप चर्चा कर सकते हैं। फिर आगे दिया है अध्यापक के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं जो हैं उनको पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। मतलब एक कौशल विकास योजना है जिसमें आप जिस जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, कई सारे तरीके व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। फिर अब क्या है, अनीता मधुमक्खी पालक। इसमें क्या हुआ, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया,
और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, इस तरीके से उसने कुछ रुपये जो हैं वो इकट्ठा किए। ठीक है, फिर क्या किया, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने ये मधुमक्खियाँ पालने के लिए इस तरीके से इंतजाम किया। ठीक है, ये डिब्बे हुए बॉक्स जो रखे हुए हैं इनमें मधुमक्खी को पालते हैं और पास में मीठा घोल रख देते हैं ताकि वो उनको चाहिए होता है वहीं पे वहीं से घोल लेते रहें जिससे शहद हुए मीठा बने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सितंबर का महीना था। ठीक है, सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था, कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, इससे मेरा चेहरा, मेरे हाथ जो थे वो सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था, पर किससे कहती। यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था, मतलब वो जब काम करती थी तो उसको इतना पता नहीं था, वो नया नया काम था ना उसके लिए, तो कई बार मधुमक्खियाँ उसको काट भी लेती थी, सूज जाती थी और भाई दर्द तो होगा ही। तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी काटने पर क्या लगाते हैं? तो भाई लोहा लगाते हैं, मतलब चाकू वगैरह, लोहे का चाकू या खट्टी चीज़ जैसे कि अचार वगैरह। तो कहते हैं मधुमक्खी का चित्र बनाना है और रंगना है उसे। फिर यहाँ पे कहते हैं लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, तो लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। मैंने अपने 4 बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। तो इन्होंने बक्सों को कहाँ रखा? लीची के बगीचे में रखा। फिर क्या किया इन्होंने, मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला। कितने किलो शहद मिला इन्होंने? इनको हर बक्से में 12 किलो शहद मिला जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं, मतलब शुरुआत की थी इन्होंने 2 बक्से से, अब इनके पास कितने बक्से हैं? 20 बक्से हैं। तो 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी हुई? तो उन्होंने क्या कीमत बताई थी बक्सों की? उन्होंने कीमत बताई थी बक्सों की 2,000। तो 20 बक्सों की कीमत क्या हो जाएगी? ठीक है, एक बक्से की कीमत थी 2,000। अब ये 20 बक्सों की कीमत पूछ रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? तो 2 × 2 = 4 होता है, और 0 गिन लो, 1, 2, 3, 4, 4 0 लगा दो, कितने हो गए? 40,000 रुपये कीमत हो गई। अब क्या कहते हैं, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। ठीक है, कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर है, शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती हूँ। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं, बक्सों से शहद निकालते हैं। अभी अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे, आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती कि पढ़ना के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है वो करती है। लोगों के हंसने पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनीता जो है होलसेलर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे वह मधुमक्खियों को पालने वाले जो होते हैं उनको शहद के लिए सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। मतलब क्या होता है कि जो मधुमक्खी पालने वाले होते हैं उन्हें शहद की सही कीमत नहीं मिलती है, और जब वही शहद बाज़ार में बिकता है बहुत महंगा बिकता है, और जब मधुमक्खी पालने वाले से ख़रीदा जाता है तो बहुत ही सस्ता ख़रीदा जाता है। इसीलिए वो होलसेलर बनना चाहती थी। फिर अब क्या कह रहे हैं कि अनीता जो है, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते थे। 1 किलो शहद के 35 रुपये मिलते थे। आप सोच सकते हो ना, 35 रुपये कितने कम होते हैं। 35 रुपये में तो 250 ग्राम शहद नहीं आएगा, बाज़ार की कीमत माने तो। ठीक है, बहुत, मतलब बहुत कम रुपये दे रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपये मिल गए? तो 1 किलो शहद मेरे ख्याल से 700-800 रुपये से तो कम तो नहीं होगा, डबल का। ये कह रहे हैं तुमने किस रंग का शहद देखा है? तो शहद जो होता है डार्क येलो होता है। ठीक है, और तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है किस किस काम के लिए? तो शहद जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, कई और
हाँ, अगर चेहरे में नकली लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, कई चीज़ों में काम करता है शहद। फिर ये कह रहे हैं हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में कौन होता है? एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो अंडे कौन देता है? रानी मक्खी देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को क्या हो जाता है? पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने के काम भी इन्हीं का होता है। छत्ता बनाने का काम भी काम करने वाली मक्खियों का होता है, और बच्चों का पालना भी। ठीक है, ये ना हो तो छत्ता ना बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही मर जाती हैं। और नर जो मक्खी होते हैं छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, मतलब नर मक्खियाँ जो होती हैं वो छत्ते के लिए कोई खास काम नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? तो मधुमक्खी के अलावा जैसे कि चींटियाँ रहती हैं, ठीक है, और दीमक रहती है, बर्रैया जिसे बर्रा या ततैया बोलते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखते हैं, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। तो सिपाही चींटी क्या करती हैं? बिल का ध्यान रखती हैं। तो अंडे कौन देती हैं? चींटी, रानी चींटी जो होती है रानी मधुमक्खी की तरह, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का काम करती हैं, काम करने वाली चींटियाँ जो होती क्या करती हैं? भोजन ढूंढ कर लाती हैं, और दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं, मतलब एक साथ मिलकर रहते हैं। तुमने चींटियों का भी कहाँ कहाँ देखा है? तो भाई ज़मीन में, अक्सर दीवारों में, कई जगह होता है। तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? तो मीठी चीज़ों पर जो होती है चींटियाँ ज़्यादा आती हैं। चींटियों को कतार को देखो, बताओ कि उनका रंग कैसा है। तो चींटियाँ जो होती हैं पीली काली होती हैं, काली होती हैं, कई कलर की होती हैं, भूरी होती हैं। क्या तुम्हें चींटी ने काटा? कैसी थी? काली थी, भूरी थी, छोटी थी, मोटी थी, किसी तरह की थी? तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि कब चींटी ने आपको काटा है, उसको देखना कैसी चींटी है। क्या तुम्हारी चींटी तुम्हारे पास आती है कब? भाई चींटी तो हमारे पास तभी आएगी जब रास्ता भटक जाएगी। और तो सारी चींटियाँ होती हैं अपने काम करने में व्यस्त होती हैं, अपने लाइन में चलती हैं। फिर कह रहे हैं कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो, चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो चींटियों के कितने पैर होते हैं? चींटियों के 8 पैर होते हैं। छोटी चींटी के पैर कितने होते हैं? बड़ी चींटी के पैर कितने होते हैं? और छोटी चींटी के पैर कितने होते हैं? ये कह रहे हैं एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और क्या करना है, रंग भरो, मतलब रंग कलर करना है। तुम अक्सर मूँगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते हो, चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो, उन पर रंग भरना ना भूलो, मतलब उसके छिलकों से। किसके छिलकों से? मूँगफली के छिलकों से आपको कीड़े मकोड़े बनाना है। बहुत अच्छा तरीका है। तो उम्मीद है आपको अपना चैप्टर जो है वो समझ में आ गया। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक या दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो ये है कि आपको हमारा चैनल जॉर्जस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सब्सक्राइब करना ही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर आपने हमारी गुरु दक्षिणा दे दी है तो उसके लिए थैंक यू, नहीं दी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और दूसरी बात, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार में जो भी पढ़ता हो, तो हमारी जो क्लासेज है 3rd से लेकर 12th तक के लिए हैं, ठीक है, सभी को पढ़ाएंगे। तो आप उन सबको, जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो 12th तक का, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और जो क्वेश्चन पूछा करें वो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो भी सुन के जाना, ओके। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद तो आया ही होगा,
लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचाने वाले ऐसे लोग जो थर्ड से लेकर ट्वेल्थ क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की, तो बम्पर ऑफ़र में क्या है आपके लिए खुशखबरी भी है, वो ये है अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में, तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे, और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है, आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है, किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जो आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जॉर्जस किड्स मस्ती, जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी और जॉर्जस क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जॉर्जस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जॉर्जस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है, फिर से आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।